जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फुल बिहार। आज न्यूज़ फुल बिहार की टीम पहुंची है रसौली फतेह बाबा के मंदिर पे, और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं जो विधानसभा के आगामी विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए जो घोषणा की है। आइए जानते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या अपने राय देते हैं, क्या विचार देते हैं जो फतेह बाबा लड़ने के लिए घोषणा किए हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं जो इनके बहुत करीबी हैं रंजन जी, उनसे आज पूछते हैं कि क्या कितना सहयोग कर रहे हैं बाबा को, कितना कैबिनेट कर रहे हैं विधानसभा के लिए। आइए जानते हैं रंजन जी। नमस्कार, जो सहयोग हमसे और हमारे परिवार से होगा वो सहयोग हम करेंगे जी। इनका विधानसभा में ये पहला कदम है, तो आप किस कदर इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, इसलिए कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और बिहार सरकार ने 16 जुलाई से लॉकडाउन भी घोषित कर दिया 31 जुलाई को, कि इसको देखते हुए कैसे आप इतना कम समय में कैसे तैयारी करेंगे? सहयोग और तैयारी दोनों हम साथ साथ नहीं कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, 31 तारीख को बाद घुमाई चालू होगा, लॉकडाउन सरकार का जो लॉकडाउन है उसका पालन होगा और हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं एक और है इनके साथ में, इनसे जानते हैं कि क्या कैसे विधानसभा की तैयारी चल रहा है, कैसे तैयारी आगे की करेंगे। हम लोग बाबा के साथ हैं और बाबा के साथ पहले से भी हैं, अभी भी हैं, और हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग बाबा का साथ देंगे। हम लोगों को धर्म से ही मतलब है। इतना करीब चुनाव आ गया है, बहुत कम समय है, आप कितना इतना जल्दी कैसे तैयारी कर पाएंगे इतना कम समय में? धर्म ऐसा चीज है कि देरी से देरी कुछ जल्द बना गया, और माँ का कृपा होगा, बाबा का आशीर्वाद होगा, तो हम लोग जल्द ही तैयारी कर लेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? राम रसौली। घर? रसौली जी। एक और है इनके सहयोगी, आइए जानते हैं इनसे कितना कम समय में कैसे तैयारी करेंगे विधानसभा का। हम लोग बाबा के साथ हैं, पूर्ण रूप से साथ हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि साधु जो होते हैं वो बिना स्वार्थ के होते हैं, निस्वार्थ होते हैं वो, और हम लोग पूरे सहयोगी जो है, हम लोगों ने मन बनाया है कि बाबा को इस बार विधानसभा चुनाव से लड़ने के लिए प्रेरित किए इनको, ताकि यहाँ के जो सिचुएशन है, यहाँ के जो काम है वो स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे जो इतना ना क्राइम बढ़ गया है, कि जहाँ तहाँ छिनतई वगैरह हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, कोई सुनने को तैयार है नहीं इस बारे में। तो हम लोगों ने मन बनाया कि क्यों ना बाबा के सहयोग किए, तो बाबा को हम लोगों ने प्रेरित किया कि बाबा आप इस बार तरैया विधानसभा से चुनाव लड़े, इसके लिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आए और मिलते हैं इसके सहयोग और भी हैं, ये क्या राय विचार करते हैं? हम लोग बाबा का जोड़े रहते हैं, बाबा का जोड़े हम लोग रहे हैं। जी बिल्कुल, और इनके एक और सहयोगी आइए, इनसे जानते हैं कितना कम समय में कैसे तैयारी कर पाएंगे और कैसे फाइट करेंगे विधानसभा में। तैयारी तो हम लोगों को विगत एक सप्ताह से चल रहा है, और हम लोग जन जन और हरेक पंचायत हरेक गांव में जा जा करके बाबा का जो चुनाव प्रचार है या चाहे बाबा को चुनाव लड़ने के कर रहे हैं। रह गई बात अब चुनाव की, बात इतना जल्द समय में कब, यह देश ऋषियों महर्षियों का है, और तप के बल पर आज भारत जितना भी है तप के बल पर ही है, और तप जो है वो ऋषि महर्षियों के द्वारा ही होता है, तो बाबा में उस तरह का गुण है। हम लोग बाबा के साथ हैं, रह गई तैयारी के लिए, तो तन और मन धन से हम लोग बाबा के साथ लगे हुए हैं, और जीत बाबा का सुनिश्चित है, कारण कि बाबा जब अपना त्रिशूल गाड़ देंगे तो फिर उसमें कोई माई का लाल नहीं है जो हिला सकता है। परम ब्रह्म परमेश्वर बाबा है, और हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माता रानी की कृपा होगा तो बाबा की जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। एक और बाबा है, ये जानते हैं इसे कितना कम समय में कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्या सहयोग करना चाहते हैं बाबा को और कैसे करेंगे? हम लोग भी इस बाबा से जुड़े हुए हैं, आज जब भी हम लोग बाबा को कोई कार्य होता है तो उनके साथ मिल जुल के हम लोग अपना इनको कार्य को सफलता करते हैं, इसीलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है ये हमारे बेलपतिया बाबा अगर यहाँ जीवन जाते हैं तो हम लोग का बहुत समस्या समाधान हो जाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है जो बाबा इस कुर्सी को बढ़िया से चला लेंगे, और हम लोग का उम्मीद है जो जब तक ले बाबा खड़ा हो रहे हैं तब तक ले साथ में हैं, उनके बाद ये काम चलेगा तो भी साथ में रहेंगे।
इसलिए बाबा को जिताना हम लोग के लिए अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग बाबा के साथ में पड़े हैं। बाबा हमारे लिए कर जाए और साधु संत का आशीर्वाद और भगवान का दुआ आशीर्वाद ऐसा होता है जो बहुत जल्दी तैयारी कर देते हैं, बहुत तैयारी जल्दी निकाल देते हैं। और हम लोग भी इसी लॉकडाउन के लेते हुए और मिला के चलते हुए हम लोग पालन करते हुए बाबा का सहयोग में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि किस तरह बाबा के सहयोग में इन लोगों ने लगे हुए हैं और जिनके चर्चा हो रहा है इतना तेजी से, आइए जानते हैं उनसे कि ये विषय में क्या बात बताना चाहते हैं अपने सहयोगी को और इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे चुनाव। आइए बात करते हैं जयराम दास उर्फ पतैया बाबा से। जी और जो भी भक्त परिवार का जो भी मतदान का ये भगवान शिव का ये तपस्या चाहे सपना द्वारा जनता जनार्दन जितने भी भक्त परिवार है टोटल जागृत हो चुकी है। ये प्रेरणा हर जगह से आवाज आ रही है कि बाबा आप हर हाल में चुनाव लड़िए, तन मन धन आत्मबल और ये दान मतदान हम लोग दान के रूप में देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप ये चुनाव लड़ने के लिए आप तैयारी कर चुके हैं और ये चुनाव जब तैयारी कर चुके हैं तो आप तहे दिल से हम लोग आप लोग के झोरी में डाल देंगे, आपका जीत होगा निश्चित। आए जीत तो जनता की है और बाकी इस बाजार की है, बाकी इस तरह विधानसभा की जीत है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।